नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक शिक्षाप्रद और बहुत ही मार्गदर्शन ऐसी कहानी लेके आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, अजी सुनते हो, राहुल को कंपनी में जाकर टिफिन दे आते हो क्या? क्यों, आज राहुल टिफिन लेकर नहीं गया? शरद राव ने पूछा। आज राहुल की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसलिए राहुल सुबह 7 बजे ही निकल गया और इतनी सुबह खाना नहीं बन पाया था। ठीक है, दे आता हूं मैं। शरद राव ने हाथ का पेपर रख दिया और वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। पुष्पा बाई ने एक उच्छ्वास छोड़कर राहत की सांस ली। शरद राव तैयार हुए, मतलब उसके और राहुल के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी कैसा, हमेशा की तरह राहुल का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और पुष्पा बाई का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय भी वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया है मेरे बाप ने, ऐसा गैरसमझ उसके मन में समाया हुआ था। माँ मेरे मित्र के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया। नहीं तो एक ए हमारे पिताजी, अभी भी हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। राहुल, तुझे मालूम है कि तुम्हारे नाना घर में बड़े हैं और 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्चा भी उन्होंने उठाया था। सिवाय इसके तुम्हारी बहन की शादी का भी खर्चा उन्होंने ही किया था। अपने गांव की जमीन की कोर्ट कचहरी भी लगी ही रही, ये सारी जवाबदारियां किसने उठाई? क्या उपयोग हुआ उसका, उनके भाई बहन बंगलों में रहते हैं। कभी भी उन्होंने सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, तो हम ही उन्हें एक मकान बनाकर दे दें? एक क्षण के लिए पुष्पा बाई की आंखें भर आई। क्या बताए अपने जन्म दिए पुत्र को, बाप ने क्या किया मेरे लिए, पूछ रहा है। फिर बोली, तुम्हारे पिता ने अपना कर्तव्य निभाया, भाई बहनों से कभी कोई आशा नहीं रखी। राहुल मूर्खों जैसी बात करते हुए बोला, अच्छा वो ठीक है, उन्होंने हजारों बच्चों की ट्यूशन ली, यदि उनसे फीस ले लेते तो आज पैसों में खेल रहे होते। आजकल के क्लासेस वालों को देखो, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। यह तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुम्हारे पिताजी का तत्व था ज्ञान दान का पैसा नहीं लेना। उनके इन्हीं तत्वों के कारण उनकी कितनी प्रसिद्धि हुई और कितने पुरस्कार मिले, उसकी कल्पना है तुझे? ये सुनते ही राहुल एकदम नाराज हो गया। क्या चाटना है उन पुरस्कारों को, उन पुरस्कारों से घर थोड़ी ही बनता है। पड़े ही धूल खाते हुए कोई नहीं पूछता उनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। राहुल ने दरवाजा खोला तो शरद राव खड़े थे। पिताजी आपने बोला तो था, इस डर से राहुल का चेहरा उतर गया, परंतु शरद राव बिना कुछ बोले अंदर चले गए और वह वाद वही खत्म हो गया। ये था पुष्पा बाई और राहुल का कल का झगड़ा। पर आज शरद राव ने टिफिन साइकिल को अटकाया और तपती धूप में औद्योगिक क्षेत्र की राहुल की कंपनी के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। राहुल, पाटिल साहब का टिफिन देना है, अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं, देते आएंगे, गार्ड बोला। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वो मीटिंग खत्म करके आ सकते हैं, तुम बाजू में ही रहिए, चेयरमैन साहब को आप दिखना नहीं चाहिए। शरद राव थोड़ी दूर पर धूप में ही खड़े रहे, आसपास कहीं भी छाव नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। पांवों में दर्द उठने लगा था, इसलिए शरद राव वहीं एक तख्त पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज आई, शायद मीटिंग खत्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे अधिकारी और उनके साथ राहुल भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहां खड़े देखा तो मन ही मन नाराज हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाले थे तो उनकी नजर शरद राव की ओर उठ गई। कार में न बैठते हुए वो वैसे ही बाहर खड़े रहे। वो सामने कौन खड़ा है, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने राहुल सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफिन लेकर आए हैं, गार्ड ने कपकपाती आवाज में कहा, बुलवाइए उनको। जो नहीं होना था वह हुआ। राहुल के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ जान पड़ने लगा। गार्ड के आवाज देने पर शरद राव पास आए, चेयरमैन साहब आगे बढ़े
और उनके समीप गए। आप पाटिल सर है ना, डीएन हाई स्कूल में शिक्षक थे। हाँ, आप कैसे पहचानते हो मुझे? कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने सरद राव के चरण छुए। सभी अधिकारी और राहुल वो दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं अतीश अग्रवाल, आपका विद्यार्थी। आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए आप तो, चेयरमैन ने हंस दिए। फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बैठाया? गार्ड ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। वो देखकर शरद राव ही बोले, उनकी कोई गलती नहीं है, आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ न हो इसलिए मैं ही बाहर रुक गया। ओके ओके ओके, चेयरमैन साहब ने शरद राव का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपने आलीशान चैम्बर में ले गए। बैठिए सर, अपनी कुर्सी को और दिखाते हुए बोले। नहीं नहीं, वो कुर्सी आपकी है, शरद राव सक पकाते हुए बोले। सर, आपके कारण वो कुर्सी मुझे मिली है, तब पहला हक आपका है। चेयरमैन साहब ने जबरदस्ती से उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाया। आपको मालूम नहीं होगा, पवार सर जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए बोले, पाटिल सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान संभालता रहता। राहुल और जीएम दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखते ही रहे। स्कूल समय में मैं बहुत ही डब्बू विद्यार्थी था, जैसे तैसे मुझे नवी कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उस पर अमीर बाप की औलाद दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस में बंक मारकर मूवी देखना, यही मेरा शगल था। माँ को वो सहन नहीं होता। उस समय पाटिल सर कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दर्शाई। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुंह मांगी फीस का बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए, हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें कहता हूँ राहुल, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई, तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी सुझाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे, अंग्रेजी गणित विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे वो अब सरल लगने लगे थे। सर कभी आते नहीं थे तो मैं व्यग्र हो जाता था। नवीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया, माँ पिताजी को खूब खुशी हुई, मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। दसवीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ पाटिल सर से पढ़ने लगा था, और दसवीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया था। माय गॉडनेस, पर सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी, जनरल मैनेजर ने पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पेड़ी लेकर गया, पिताजी ने सर को 1,00,000 रुपए का चेक दिया, सर ने वो नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है, मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया है और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं वो दान देता हूँ। बाद में मैं सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं में पुनः मेरिट में आया। बाद में बीए करने के बाद अमेरिका जाकर एमएस किया और अपने शहर में ही यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया, और मैं ही नहीं तो सर ने ऐसे अनेक असंख्य हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए अश्रु रुमाल से पूछे, परंतु यह बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञानदान का बाजार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपया भी न लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया, न केवल पढ़ाए पर उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। वह सर मान गए आपको और आपके आदर्श को, शरद राव की ओर देखकर जीएम ने कहा। अरे सर, ये व्यक्ति तत्वनिष्ठ है, पैसों और मान सम्मान के भूखे में नहीं है, विद्यार्थी का भला हो यही एकमात्र उद्देश्य था। चेयरमैन बोले, मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं, ये उनके तत्व थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया, उसका फायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने शरद राव से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में है रहते हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर, शरद राव के बदले में राहुल ने ही उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी की प्रति छिपी नाराजगी तत्पर चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। तय रहा
फिर सर आज मैं आपको गुरुदक्षिणा दे रहा हूँ। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उसमें एक 3 BHK के मकान आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? शरद राव और राहुल दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले। नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, शरद राव आग्रह पूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने शरद राव के हाथों को अपने हाथों में लिया। सर प्लीज ना मत करिए और मुझे माफ करे, काम की अधिकता में आपकी गुरुदक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फिर राहुल की ओर देखते हुए उन्होंने पूछ लिया, राहुल तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, जम गई है, और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी होने से अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की, तो फिर हाल भी बुक नहीं किया। चेयरमैन ने फोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधान कारक चेहरे से फोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे मैरिज गार्डन का काम हो गया है सागर लाल, तो मालूम ही होगा सर वह बहुत महंगा है। अरे तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं, सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सर के बस एक आवाज देने की बात है, परंतु सर तत्वनिष्ठ हैं, वैसा करेंगे भी नहीं। इस लांस का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है, उसे मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ हाल ही नहीं तो भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारियां ली है, उसने वह भी सखुशी से। तुम केवल तारीख बताओ और सामान लेकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राहुल अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला। धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताश्री को दो राहुल, ये उनकी पुण्याई है, और मुझे एक वचन दो राहुल, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं होने दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें दुख दे रहे हो तो न केवल इस कंपनी से लात मार कर भगा दूंगा, परंतु पूरे महाराष्ट्र भर की किसी भी स्थान पर नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब के कठोर शब्द को सुनकर राहुल, नहीं सर मैं वचन देता हूँ वैसा कुछ भी नहीं होगा, राहुल हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब राहुल घर आया तब शरद राव किताब पढ़ रहे थे, पुष्पाबाई पास से सब्जी काट रही थी। राहुल ने बैग रखी और शरद राव के पाँव पकड़कर बोला, पिताजी मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा, मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व लिए हो। शरद राव ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अपना लड़का क्यों रो रहा है, पुष्पा बाई की समझ में नहीं आ रहा था, परंतु कुछ अच्छा घटित हुआ है इसलिए पिता पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। यह देखकर उनके नैनों में भी कुछ बूंदें गाल पर लुढ़क गई। दोस्तों इस कथा से जो हमें सीख मिलती है कि अगर देखा जाए, कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए निधन घटे जो सहाय रघुवीर। विद्या एक ऐसी दान है कि अगर जिसको दिया जाए उसके जीवन में फूलों की बगिया महक उठती है। तो दोस्तों हर व्यक्ति को अपने इस जीवन में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो गुणवान होते हैं, लेकिन इच्छा उनकी पढ़ने की होती है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति या आर्थिक परिस्थितियां उनको नहीं संभाल पाती हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों व्यक्ति के गुणों को पहचानो, और आज का तो शिक्षा व्यवसाय बन चुका है, तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इस कहानी से दोस्तों हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए कि हमारा जीवन भी, अगर हमारे पास कुछ योग्यता है तो ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे असहायों के प्रति हम समर्पित हो ताकि उनका जीवन मंगलमय हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह कथा आपको अच्छी लगे, कहानी आपको अच्छी लगे। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। नमस्कार।